राउस एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल होने पर न्यायपालिका सवालों के घेरे में आ गई है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत एक्शन में आ गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों यानी कि जज और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दोनों को निलंबित करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर होने से तुरंत ब्लॉक किया जाए। ये वीडियो राउस एवेन्यू कोर्ट के एक जज का है। वीडियो में आरोपी जज अपने कैबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। ये महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही महिला जज की स्टेनोग्राफर है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है, इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। अदालत ने आरोपी जज और महिला स्टेनोग्राफर को भी सस्पेंड कर दिया है। अदालत ने इस वीडियो की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। जज के चैम्बर में ही वीडियो कैसे बना, इसकी भी जाँच की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट परिसर में जज और महिला स्टेनोग्राफर के बीच इस तरह की हरकतों की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। शक है कि अदालत में काम करने वाले स्टाफ ने ही सीसीटीवी फुटेज से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद ही वकीलों ने जांच की मांग की थी। वीडियो को किसी ने मुख्य न्यायाधीश को दिखाया और उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वयं संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। वीडियो में नजर आ रही महिला ने इस वीडियो को फेक बताया है। महिला ने वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका भी दायर की है। हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है। आशीष दीक्षित एडवोकेट के माध्यम से दायर याचिका में ये कहा गया था कि वीडियो नकली और मनगढ़ंत है और इसका उपयोग कर्मचारी की प्रतिष्ठा और अखंडता को खराब करने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।